सो फाइनली वो हो गया है जो हर एक यूट्यूबर का सपना होता है क्राइटेरिया पूरा करने का। जैसा कि हमने आपको बताया था यारा, हम मिलेंगे आपसे, बीच में हम आपसे मिल नहीं पा रहे थे और इस चीज़ को हम लेकर के आपसे स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो रखा है, ठीक है, और सिस्टम हैंग हो रखा है। यहाँ पे जितने भी हैं ना, सारे अपने डिपार्टमेंट वाले जो हंसते थे भाई जब मैं वीडियो बनाता था ना, तो हंसते थे। आज भी जब मैं वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए इस लोकेशन पे आ रहा था ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे देखो सेलिब्रिटी जा रहा है। भाई अच्छी बात है ना, सेलिब्रिटी अगर जा रहा है तो ज़रूर एक दिन आएगा, आगे आएगा ना, तो फिर समझ में आएगा। वो लोग कहते हैं कि भाई तुझे मुड़ के पीछे नहीं देखूंगा। भाई तू पीछे मत देख, मैं इतना आगे आ गया हूँ ना कि तू मेरे को क्या देखेगा, है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टार्टिंग मैंने की थी, बहुत हार्ड था, पर कोई नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया। मुझे पता है मैं जिन जिन रास्तों से गुजरा और जिन चीज़ों को मैंने कवरअप किया, उन चीज़ों को होते हुए अगर एक आम अगर लड़का, मतलब मैं था, उसको काफ़ी नेग्लेक्ट करता गया चीज़ों को, और धीरे धीरे उसको आगे मैनेज करता गया, और अंत में फाइनली आप लोग के इतना प्यार और इतना सपोर्ट से भाई आपका भाई जो है यहाँ तक आ गया है, और पूरा सिस्टम अब हैंग होने वाला है। अभी हमारी जर्नी तो स्टार्ट हुई, इट्स अ बिगनिंग यार, अभी तो ये शुरुआत है। कहते हैं ना बिगनिंग ऑलवेज हार्ड, आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो वो थोड़ा सा तो हार्ड होगा ही होगा, इसलिए मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। देखो होता क्या है ना कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे अपने ऊपर यकीन था, पूरा भरोसा था कि मैं क्राइटेरिया का मैं उसको पार करके चला जाऊँगा, और मैंने किया। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, जो अभी तक की इस जो यात्रा रही है, जर्नी रही है, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि हमने क्राइटेरिया को पता है कितने जल्दी कवरअप किया है। भाई साहब मैंने 2 महीने के अंदर इस चीज़ को कवरअप कर लिया है। 2 महीने मतलब जो जहाँ से मेरा मेन जो व्यू था, वीडियोस का जो ग्रो होना शुरू हुआ, थोड़ा सा वायरल मिलना शुरू हुआ था, वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। और ये वीडियो बहुत तेज़ी से मैंने इस चैनल को ग्रो कराया, और यकीन मानो कि जिस तरीके से आपने प्यार और सपोर्ट दिया है, इतना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हुआ था, और ओरिजिनलिटी पे आते हैं, मैंने 1000 सब्सक्राइबर होने पे क्राइटेरिया 1 जो था उसको कंप्लीट होने पे मैंने बाल को क्लीन कराया था और आपको मैसेज भी दिया था। और इसके अलावा ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब 2000 हुए थे और ये कंप्लीट हो गया था, तो मैंने दाढ़ी को सेव कराया था यार। होता है ना कि कुछ मन्नतें या मनौतियाँ होती हैं हम लोग के हिंदू धर्म में, जय सनातन जय श्री राम में। तो भाई सिंपल सी बात ये है ना कि यहाँ पे सारे लोग तो हैं कहेंगे कि भाई नहीं ठीक है तुम काम करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एंड वक्त पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको चीट कर जाते हैं और चकमा दे जाते हैं, धोखा, अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। सच बताओ, मैंने अपने इस जर्नी में देखा है, मेरे साथ सिर्फ एक बंदा खड़ा था इस यूट्यूब की जर्नी में, वो खुद मैं था, और बाकी सारे लोगों ने, बहुत कम लोग थे, मतलब आसपास के जो लोग थे उनकी बात मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया ना कि मुझे किसी की अब ज़रूरत ही नहीं है। और अभी ये तो शुरुआत है भाई, पूरा सिस्टम हैंग होने वाला है, पूरा बनारस ही क्या, पूरे यूपी क्या, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। और न सिर्फ ब्लॉग, ये तो आप देख रहे हो, ये नॉर्मल अभी मेरा शुरुआत था इस वीडियो का। अभी बहुत जल्द हम अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को भी लेकर के आएंगे, आपके सामने रिवील करेंगे और चीज़ों को क्लियर करके बताएंगे। तो जैसा कि क्राइटेरिया की आज बात करते हैं, सिंपल सा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे, और चूंकि देखो बहुत सारी बातें होती हैं ना कि जब आपसे कनेक्ट होता हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे आपको बतानी होती हैं, ठीक है। तो हालांकि बातें तो बहुत हैं, पर सीधे क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ। 12 मई को मैंने पहला वीडियो डाला था 2023, और 23 जुलाई, चूँकि क्या था ना, बीच में मैं दिल्ली चला गया था, आपको पता होगा कि मैं कुछ कारण से मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे वीडियोस मैं अपना बना नहीं पा रहा था, पर उसमें भी मैं टाइम निकाल निकाल के वीडियोस बनाता था, पर उस समय थोड़ा सा दिक्कतें थी, पर कोई नहीं, बीच में थोड़ा सा टाइम था, अन्यथा मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया होता। पर फिर भी हमने 2 से 2.5 महीने टाइम पूरा दिया और आसानी के साथ इस क्राइटेरिया को कंप्लीट किया। और भाई साहब बता रहा हूँ कि 23 जुलाई को जब मैंने इस चीज़ को एक्टिवेट किया था ना, तो मन में बस यही था कि भाई सबसे पहला तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है यूट्यूब का, जैसा कि आपको मैंने फ़ोटो में दिखाया होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको आपको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा फॉलो करने के बाद, जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जब आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है, मतलब वो पूरा आपको बताते हैं कि जब आप हमसे हमारे कम्युनिटी में जुड़ते हो
तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, और इसके अलावा क्या क्या हम जो हमारा पे आउट का जो वे होगा वो कैसे होगा? अगर आपको ये सारी चीज़ें मंजूर है तो आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और हम आपको फिर आगे अपने कम्युनिटी में आपको एक्सेप्ट करेंगे, जोड़ेंगे और आपको पे आउट करेंगे, ठीक है? तो सिंपल सी बात ये थी, और इस तरीके से मैंने पहला जो टर्म्स था उसको आराम से पढ़ के उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद सेकंड जो स्टेप था वो गूगल एडसेंस का था। एक्चुअली गूगल एडसेंस क्या होता है ना, कि आपका जो एक अकाउंट होता है जिसमें आपका जो पे आउट होता है गूगल के थ्रू, यूट्यूब एक्चुअली गूगल का ही वो प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब आपको पे आउट कैसे करेगा, तो उनका एक अलग सिस्टम होता है, गूगल एडसेंस उसको कहते हैं। उसका जब आप उसको एग्री करते हो, सेकंड स्टेप होता है, तो उसका एक गूगल पिन आता है जो अगर आप शहरों में रहते हो तो जल्दी आ जाता है, हालांकि गांव में रहते हो तो थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते का डिले हो जाता है, बट कोई नहीं, गूगल जो पिन होता है, एडसेंस पिन होता है, वो भी बहुत जल्द आ जाता है। और उसके बाद फिर जब आपका आ जाएगा तो उसी के बीच में आपके पूरे जो चैनल होता है ना उसका रिव्यू चलता है। रिव्यू चलने के बाद क्या होता है कि जब आपके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो वो खूबसूरत सा जो डैशबोर्ड आप देखते हो ना, तो यकीन मानो कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो इतना हाई चला जाता है ना, भले ही आपके अकाउंट में 1 रुपये भी ना आए, लेकिन जब रिव्यू के बाद सारी चीज़ें कंप्लीट होती है ना, आपके जो पीछे की जर्नी होती है, प्रीवियस जर्नी जो होती है, यात्रा होता है, आपने इतना मेहनत किया होता है ना कि भाई जब वो कंप्लीट होता है ना तो वो खुशी आप शायद बयां नहीं कर पाओगे। आप अंदर अंदर इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे, जैसे कि मैं एक्चुअली हुआ क्या कि जब मेरा ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस, पूरा चेक हुआ, यूट्यूब का जो पेज था ये जब पूरा रिव्यू करके चेक हो गया ना, तो उसके बाद मैं अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा था, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा था चैनल पे, और जैसे ही अपलोड करके मैं बैठा था अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे, अभी फ़िलहाल काम कर रहा था, तो अचानक ऐसे ही मन में आया कि चलो देख लेते हैं यार अपना जो पुराना वाला, चूँकि 1 घंटा पहले मैंने देखा था, तो 1 घंटे बाद फिर मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं कुछ ऐसा है क्या, देखते हैं कुछ, मतलब ये नहीं था कि यार रिव्यू होके आज आएगा ही आएगा। और जैसे ही खोलता हूँ तो क्या खुशी थी भाई, मतलब एक पेज था जो रिव्यू के लिए लगा हुआ था, और उसके बाद जो है मैं क्या देखता हूँ, सिंपल सी बात ये थी कि वो कंप्लीट हो चुका था, और वहाँ पे नीचे जो है चार, आप देख सकते हो 4 स्टेप है, ये सारे वीडियोस आपको मैंने इसीलिए साइड में आपको दे रखा है, आप देख सकते हो, ये कंप्लीट होके इन्होंने एक्सेप्टेंस ही मांगी थी कि जो आपके पेज पे या फिर आपका जो प्रीमियम पेज होगा उसके थ्रू आपको अगर ऐड चलता है तो फिर उसके लिए आप एक्सेस दो, फिर उसके बाद जो बहुत सारी 3-4 और हैं जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये एक्सेस के लिए उस पेज पे आता है, और उसके बाद जो मेरी खुशी होती है ना वो 2 गुनी नहीं 3 गुनी नहीं भाई मल्टीपल एक्स हो जाती है। और इसके बाद जो है ना मैं फिर अपने मेन डैशबोर्ड में आता हूँ, मेन डैशबोर्ड का हाल देख सकते हो, मेन डैशबोर्ड का हाल भी जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है उससे एकदम हट करके है, ठीक है? तो उसके बाद जब ये देखता हूँ तो फिर ये खुशी जो है वो शायद मैं बयां नहीं कर पाऊँगा, और इसको देख करके लगता है कि भाई जब मैं कर सकता हूँ ना तो मैं आपको भी इसीलिए मोटिवेट करता हूँ, यार घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, या दुनिया किस तरीके से आपको देखती है, नज़रिया क्या है दुनिया का, या फिर दुनिया आपको किस वे में लेकर, दुनिया थोड़ी जाएगी, आपको ही जाना पड़ेगा यार। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पर सब साथ देते हैं, सब साथ देते हैं। मोटिवेशन के लिए इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे ना, कि आप अगर देखने बैठ जाओगे तो वो एक नशा होता है भाई, 3-4 घंटे बाद उतर जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको यूट्यूब में रहना है तो क्या करना होगा, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि अगर मेरे को अगर एक वीडियो शूट करना है तो मुझे किसी बंदे की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, ना ना, अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है मतलब यूट्यूब आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है, बी क्लियर। क्योंकि देखो मैं एडवाइस दूंगा तो सही एडवाइस दूंगा, और अब मैं इस चीज़ को जिया हूँ, मैं इस चीज़ को फील किया हूँ, और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, ठीक है? तो मोटिवेशन से बेस्ट मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, एक नहीं 2 पॉइंट दे देता हूँ। पहला, मोटिवेशन से काफ़ी बेहतर है डिसिप्लिन, मोटिवेशन से काफ़ी बेहतर है डिसिप्लिन, मतलब अगर उस चीज़ के लिए आप डिसिप्लिन हो जाओगे, डेली ये काम करना ही करना है। सबसे पहले मैं ओरिजिनलिटी में आता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि एक्चुअली 1000 जब हुआ था तो मैंने अपने बाल को सेव कराया था, तो देखो कोई चीज़ जो होता है ना ओरिजिनल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम ओरिजिनल हो जाते हैं, ये देखो रॉकिंग स्टार, ठीक है? तो इस तरीके से डिसिप्लिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके चीज़ों को ग्रो कराने के लिए, आपके चीज़ों को आगे तक लेके जाने के लिए। और दूसरा जो वर्ड है वो है एफर्ट, सिंपल से हिंदी के भाषा में कहें तो प्रयास। अगर आप प्रयास करते हुए जाते हो तो
ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है, सिंपल सी बात ये है। और एफर्ट और डिसिप्लिन है तो डेडिकेशन ऑलवेज आ जाएगा, ठीक है, डेडिकेशन बन जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात ये है कि आप डिसिप्लिन रहो कि मुझे डेली ये काम करना है, और डेली के बेसिस पे आप एफर्ट करते जाओ, प्रयास करते जाओ, बस एक छोटा सा आप प्रयास करते जाओ, फिर देखो आप कोई भी जर्नी ऐसी नहीं है भाई जब मैं 2 से 2.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़्यादा मेहनत करना पड़े, 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको 5-5 साल 6-6 साल लग चुके हैं, उसके बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है, फिर सक्सेस है। सिंपल सी बात यह है। तो कोई चीज़ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हो नहीं सकता, भाई इम्पॉसिबल में भी आपका आई एम पॉसिबल छुपा होता है, यू नो, समझे, आई एम फिर पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ, मतलब असंभव है तो असंभव है, तो भाई आई एम पॉसिबल मेरे लिए संभव है। अगर कहते हैं ना ये एक ग्लास है, ग्लास में अगर आधा ग्लास आपको पानी दिया जाता है तो कुछ बंदे कहते हैं भाई आधा ग्लास पानी है मैं नहीं पीऊँगा, कुछ बंदे कहते हैं यार चलो कम से कम आधा ग्लास तो है उसको पी लेता हूँ नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, कुछ बंदे चलो यार आधा ग्लास पानी है आधा ग्लास हवा है हवा भी पी लेंगे और पानी भी पी लेंगे। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना तरीका होता है, देखने का वे होता है। तो कहने का सिंपल सा यही वे है कि बहुत जल्द कोई चीज़ नहीं होता है, कोई भी चीज़ अगर आप आराम से करोगे आसानी से करोगे तो वो शायद कम्प्लीटली वे में कम्प्लीट होते जाता है। इसके बाद जब ये सारी प्रोसेस है जो रिव्यू वाले सिस्टम जब कम्प्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस का पिन आता है। जब आपका गूगल पिन जो है वो डाक के थ्रू जब आ जाता है तो आपको क्या करना होता है ना, सिंपली उसको गूगल पे जा करके गूगल एडसेंस वेब पे आप जब सर्च करते हो उसके बाद आपको अपना अकाउंट जो है वो, हाँ एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो आप जिस जीमेल से आपका यूट्यूब अकाउंट हो याद रखना कि उस जीमेल से आप गूगल एडसेंस ना बनाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हैक होने का चांस होता है तो उसमें हो सकता है आपको फिर दिक्कत हो जाए इन फ्यूचर में। तो इससे बेहतर है कि आप एक नया जीमेल बना लेना और उस जीमेल से फिर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेना, गूगल एडसेंस अकाउंट को जब पिन आएगा तो फिर आप आसानी के साथ उसको एक्टिव कर लेना, और एक्टिव जब आप कर लेते हो तो जितने भी आपके पे आउट मेथड्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद आप सिंपली काम करते जाओ और नाम करते जाओ, नेम जब मिलेगा तो फेम मिलेगा। तो सबसे बड़ा कारण है इसमें डिसिप्लिन का हाथ इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और डिसिप्लिन के अलावा जो एक मैंने आपको बताया वो एफर्ट होता है, ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो डेडिकेशन अपने आप आ जाता है, और डेडिकेशन जब आ जाता है ना तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं सिवाय आपके, ठीक है। तो देखो अब ये हमारी जो जर्नी है हमने इस जर्नी को कम्प्लीट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी यकीन नहीं होगा मैं ये बता रहा हूँ तो, और नहीं भी हो क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो बंदे हैं ना वो लॉयल हैं, लीगल हैं, और इतना उन्होंने सपोर्ट किया है तो मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। अगर मैंने स्टार्ट किया है ना तो आप रुकने वाला नहीं, ठीक है, इट्स आवर बिगनिंग, शुरुआत है, लेकिन बहुत आगे तक जाएंगे भाई। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब आगे की मैं जर्नी आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी मेरा एक टेक का जो चैनल है वो अभी फ़िलहाल उस पर प्रोसेस काम का चल रहा है, और बहुत जल्द मैं उसको भी लेके आने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि जो टॉपिक हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो देखता हूँ। और इसके अलावा क्योंकि उस पर काम चल रहा है तो बहुत जल्द उसको भी लॉन्च करूँगा, और इसके अलावा उसको भी मोनेटाइज कराने का मैं वादा करता हूँ, और बहुत जल्द उसका वीडियो भी लेकर के आऊँगा, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा इन फ्यूचर में जब हो जाएगा। तो इसी वीडियो में मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन भी आगे, मतलब जब वो प्रोजेक्ट वो हमारा शुरू हो जाएगा तो उसमें के बाद मैं आपको वो लिंक का प्रोजेक्ट इसमें दे दूंगा, और आप आसानी के साथ उस चैनल पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अब इसके बाद अब हम चलने वाले हैं यहाँ से एक्चुअली मंदिर, चूँकि कोई चीज़ हमारे में क्या होता है ना कि जब सनातन धर्म में कोई चीज़ें पूरी होती हैं तो हम कुछ ना कुछ अदा करने जाते हैं, शुक्रिया करने जाते हैं, धन्यवाद देने जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये थी, हालांकि मैं मंदिर अभी फ़िलहाल जा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर उस जाऊँगा, और रिपीटली आई थैंक टू गॉड अलॉट बिकॉज इट्स हैप्पीनेस इज अ मोस्ट, यू नो, सो सिंपल सी बात ये है। और इसके अलावा अभी हम जाएंगे, एक मेरे फ्रेंड है उनका म्यूज़िक का चैनल है, और उनसे मिलेंगे और उनके साथ फिर हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड आई थिंक दैट बहुत कम लोग हैं यार जो आपको ऐसे करेंगे। तो फिर उनसे फिर मिलेंगे और उसके बाद फिर एक और वीडियो आपके सामने आएगा,
बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर आप नए क्रिएटर हो तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप काम करते हुए जाओ। कोई अगर आपको रुकता है तो आप ध्यान ना दो, ठीक है। 3 से 4 महीने 5 महीने 6 महीने जब आप काम करते हुए जाओगे ना, जब आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके पास आगे आपसे ही सवाल पूछेंगे कि भाई इसको कैसे करें या ये कैसे करें। अभी मेरे सामने बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ें मैं उनको समझाता भी हूँ, और बहुत सारे बंदे हैं जो सीखते भी हैं और उस पर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे मिले इस रास्ते और जर्नी में जो मेरे को चीट किए और इस रास्ते में मैंने उनका सपोर्ट किया। हालांकि कोई बात नहीं, ठीक है यार, अपने जो माएँ पूछती हैं कि भाई दिमाग कैसे तेज करें, तो बादाम खाने से या क्या खाएं कि दिमाग तेज हो सकता है, धोखा खा जाओ, आपको बादाम या खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप जो है आपका दिमाग तेज हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, आप सजग हो जाओगे आगे के चीज़ों को लेकर के। तो सिंपल सी है कि ठीक है, आपने जैसा किया आपका जो धर्म था आपने उस तरीके से किया, बाकी ठीक है, आपने एक रोल खड़ा कर दिया कि आगे जो है वो आप समझदारी के साथ काम करना, तो कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और क्या है जो आप हमसे अभी भी क्वेश्चन करना चाहते हो, और गूगल एडसेंस का जो पिन है उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ आपके सामने, कि गूगल एडसेंस पिन कैसे आता है, उसको फिल कैसे करते हैं, उसके बाद फिर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कर देंगे, तो आप बने रहना। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब आपका गूगल अकाउंट एडसेंस अकाउंट जब एक्टिवेट होता है तो $10 के बाद, फिर जब $100 आपका कंप्लीट जब कर लेते हो उसके बाद आपका जो अर्निंग है वो आपके अकाउंट में आना शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ उसके बाद आपको कम से कम आपके चैनल पे $100 हो जाने चाहिए। जब आपके $100 हो जाते हैं तो आप आसानी के साथ उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बैंक किसी भी बैंक को जोड़ सकते हो। मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा कि किस बैंक को आप जोड़ सकते हो जहाँ से आप आसानी से पैसे निकाल सकते हो। एक्चुअली एक कोड होता है, स्विफ्ट कोड होता है, तो वो कोड जो है स्पेशली कुछ बैंकों में होते हैं, तो वो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। और बाकी ये था, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो मैंने ये वाला कवर ही कर दिया, $100 के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो सारे डाउट्स या क्लियर होंगे मैं आपको आगे के वीडियोस में आपको क्लियर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। और कैटेगरी की बात करें तो एक कैटेगरी का भी क्वेश्चन था हमारे ऑडियंस का कि भाई कैटेगरी जो है कैटेगरी कौन सा चुने जिसमें बेहतर। देखो भाई, मैं सिंपल से यही कहूँगा ना कि अगर आपको बोलने का तरीका आता है तो आप फेस वैल्यू दिखाओ, अन्यथा आप वॉइस ओवर करो। ऐसा नहीं है कि वॉइस ओवर में क्या लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप वॉइस को अपना डिक्टेक करके आप उस चीज़ को आप करो वॉइस ओवर करके। अगर आप फेस वैल्यू नहीं जनरेट करना चाहते तो ऐसा क्या होगा, फेस वैल्यू जनरेट होता है तो आप एक ब्रांडिंग क्रिएट होते हो, लोगों के सामने जब आप पहुंचते हो तो लोग आपको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, ठीक है। तो कैटेगरी में आप बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एजुकेशन की कैटेगरी हो गया, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट का कैटेगरी हो गया, और टेक का कैटेगरी हो गया। ये तीन जो हैं वो काफ़ी हाईली पेड कैटेगरीज होते हैं जिसमें फाइनेंस जो है वो काफ़ी तगड़ा होता है, और इसके अलावा ब्लॉगिंग भी है, हालांकि थोड़ा सा रेवेन्यू में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, पर कोई नहीं, आप ये सारे कैटेगरीज जो है चुन सकते हो और इसके अनुसार आप काम कर सकते हो। आप वही काम करना जिसमें आपको अभिरुचि हो, सिंपल सी बात ये है। मैं जितने लोग मिलते हैं मैं सबको यही कहता हूँ, देखो मेरे को बोलने की अभिरुचि थी तो मैंने स्टार्टिंग में, पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन के वीडियोस में आपको बताया हूँ कि मेरा एक जो पहला चैनल था माशा वीरा, मैंने उस पर काम किया लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल, बीच में कुछ दिक्कतें आई तो उसके कारण फिर वो छूटा, लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने वापस रिकवर किया और उसके बाद इस चैनल को क्रिएट किया। और इस चैनल पे मैंने दो महीने मैंने काम किया, और 2 महीने के अंदर इस चैनल को मैंने मोनेटाइज करा लिया, वेरीफाई करा लिया, और आफ्टर ऑल एक नई जर्नी की फिर से एक शुरुआत करते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियां देते रहेंगे, और टेक जो चैनल आ रहा है उसमें आपको जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं यूट्यूब की या फिर इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, अर्निंग टिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आपको रिवील करने वाले हैं बहुत जल्द, उसका वीडियोस भी लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही आप प्यार बनाए रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं हूं विद्युत पांडे और आप जुड़े हैं हमारे साथ, देख रहे हैं ये स्पेशल वीडियो फॉर वेरीफाइंग टू यूट्यूब, एंड आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे, और ऐसे ही अपन लोग जो है वो पूरे यूपी में रहते हुए सिस्टम को हैंग करेंगे, और जितने भी बंदे हैं ना जो डिमोटिवेटर हैं उनकी वॉट लगाएंगे, और उसके बाद अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ भाई आगे चलने का है, ठीक है ना। तो भाई
अपना काम सिंपल सा है कि अपने को करते हुए जाना है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन चाहिए, एफर्ट चाहिए, दो चीज़ें हैं, आप इसको मेंटेन रखो, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलो। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, कीप वॉचिंग ऑलवेज, लव यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।